हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि परमिट टू वर्क यानी कि क्या होता है उसके बारे में, यानी कि PTW सिस्टम क्या होती है उसके बारे में। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि इसके जो है टाइप्स क्या है, फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि इसकी जो है वैलिडिटी क्या होती है। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये PTW यानी कि परमिट टू वर्क सिस्टम यानी कि होता क्या है उसके बारे में। तो अगर हम परमिट टू वर्क सिस्टम की अगर बात करें यानी कि PTW की अगर बात करें तो ये क्या होता है, तो ये जो है एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल जो है एक प्रोसीजर है जिसका जो इस्तेमाल है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके जरिए जो है एक डॉक्यूमेंटेड जो है एक परमिशन जो है वो दी जाती है, इशू की जाती है। किसके लिए की जाती है, क्योंकि जो 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 भी पर्टिकुलर जो टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए। अब वो कौन सा टास्क हो सकता है, जैसे कि इसमें कंसिडर किया जाता है कि कोई भी जो है हजार्डस वाला जो टास्क हो या फिर नॉन रूटीन वाला जो टास्क हो, तो उसी को ही जो है यहाँ पर परमिट टू वर्क सिस्टम कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि परमिट टू वर्क सिस्टम यानी कि क्या होता है। परमिट टू वर्क सिस्टम यानी कि ये एक जो है स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स है जिसका इस्तेमाल जो है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, और ये जो है एक डॉक्यूमेंटेड परमिशंस होती है किसी भी टास्क को जो है परफॉर्म करने के लिए जो इशू की जाती है। अब ये जो कौन सा टास्क होता है, तो इसमें जो है हजार्डस जो है या फिर नॉन रूटीन जो है वो टास्क यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। अब परमिट टू वर्क जो है इसमें क्या क्या आता है, किसमें क्या क्या होता है, तो जैसे कि कोई भी अगर आपने परमिट देखा होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस दी रहती है। तो उसमें क्या क्या होता है, अब जैसे कि ये परमिट टू वर्क सिस्टम है तो इसमें जो है एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती है नेचर ऑफ जॉब के बारे में, यानी कि यहाँ पर जो है आपका पर्टिकुलर कौन सा जो है जॉब रहने वाला है उसके बारे में जो है इंस्ट्रक्शंस होती है, यानी कि कौन सा पर्टिकुलर आप जॉब करने वाले हो उसका जो है नेचर क्या है वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद है कि यहाँ पर टाइम मेंशंस होता है, यानी कि ये जो जॉब आप करने वाले हो तो इसका जो है टाइम मेंशंस होता है कि कितने टाइम से लेकर जो है कितने टाइम तक जो है ये आप जो है जॉब कर सकते हो, इसकी परमिशंस है। फिर उसके बाद है कि यहाँ पर प्लेस होता है, यानी कि ये जो जॉब आपका होने वाला है तो ये कौन से प्लेस पर होने वाला है, तो वो भी जो प्लेस है वो वहां पर मेंशंस होता है। इसके साथ साथ जो है जो भी क्रिटिकल सेफ्टी प्रोसीजर्स है जो आपको फॉलो करनी है उसके बारे में भी जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। तो इस तरीके से जो है ये कंटेंट होते हैं वर्क परमिट सिस्टम में। चलिए अब हम बात करते हैं परमिट सिस्टम के जो है क्या टाइप्स है उसके बारे में। तो खास तौर से देखा जाए तो वर्क परमिट सिस्टम के जो है आपने कई सारे जो है टाइप देखे होंगे। अब इसमें जो है जैसे कि यहाँ पर मेनली जो है वर्क परमिट के टाइप्स आते हैं वो है हॉट वर्क परमिट, दूसरा है कोल्ड वर्क परमिट, और तीसरा है हाई रिस्क वर्क परमिट। अब इसके बारे में भी जो है मैं आगे में जो है डिटेल्स में बताऊंगा, यानी कि जो है आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे कि वर्क परमिट के जो है कितने टाइप्स है तो वो जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो वर्क परमिट सिस्टम में जो है जैसे कि पहले हमने यहाँ पर देखा है हॉट वर्क परमिट, तो हॉट वर्क परमिट यानी कि क्या होता है, तो हॉट वर्क परमिट जो है वो तब रिक्वायर होता है किसी भी काम के लिए जब उस काम में जो है ओपन फ्लेम जो है वो इन्वॉल्व होती है या फिर जो है कोई भी हीट सोर्स का जो है वहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से जो है फायर हजार्ड हो सकता है। जैसे कि इसमें आता है वेल्डिंग का ऑपरेशन अगर आप कर रहे हो या फिर सोल्डरिंग कर रहे हो तो वो जो है हॉट वर्क परमिट के अंडर आता है। फिर उसके बाद का सेकंड जो है वर्क परमिट वो है कोल्ड वर्क परमिट। अब कोल्ड वर्क परमिट यानी कि क्या, तो कोल्ड वर्क परमिट की जरूरत तब होती है जब नॉन हॉट वर्क जो एक्टिविटीज है जो आपको परफॉर्म करनी हो तब, लेकिन फिर भी जो है उसमें रिस्क होती है। अब वो क्या है, तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल का जो है अगर आपको मेंटेनेंस करना हो या फिर जो भी इक्विपमेंट है उसको अगर आपको रिपेयर करना हो या फिर पेंटिंग करना हो, तो ये जो एक्टिविटी है इसमें जो है यहाँ पर नॉन हॉट वर्क जो है एक्टिविटीज है ये इसमें आती है, तो इसके लिए जो है कोल्ड वर्क परमिट जो है वो इशू किया जाता है। थर्ड जो वर्क परमिट है वो है हाई रिस्क वर्क परमिट। अब हाई रिस्क वर्क परमिट जो है इसमें कब इशू किया जाता है, कौन से पर्टिकुलर टास्क के लिए जो है ये परमिट इशू किया जाता है, तो उसमें जो है कुछ सिग्निफिकेंट जो है वो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है, जैसे कि वर्क एट हाइट पर अगर आप काम कर रहे हो या फिर कन्फाइन स्पेस में अगर आपको एंट्री करना हो या फिर जो भी हजार्डस मटेरियल है उसको अगर आपको हैंडल करना हो, तो उसके लिए जो है हाई रिस्क वर्क परमिट जो है वो इशू किया जाता है। अब आपके मन में जो है कई सारे ऐसे सवाल होंगे कि पहले जो है हमने देखा था कि हॉट वर्क परमिट कोल्ड वर्क परमिट में जो है आपने ज्यादातर देखा होगा कि इसी में ही जो है एक्सकैवेशन जो है वो भी एक्टिविटी इंक्लूड होती है, इसमें ही आपने देखा
होगा कि वर्क एट हाइट जो है वो भी एक्टिविटी जो है इसमें इंक्लूड होती है, स्कैफोल्डिंग जो है वो भी यहाँ पर इंक्लूड होती है, ये कोल्ड वर परमिट में ही जो है इंक्लूड होती है, ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन ये भी सही है क्योंकि ये डिपेंड होता है कि आप जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो कंपनी का जो है क्या स्टैंडर्ड है, तो उसकी हिसाब से जो है वर्क परमिट सिस्टम जो है वो वहां पर होती है। कभी कभी जो है क्लाइंट्स की भी जो है एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, उनके हिसाब से जो है काम करना होता है, तो उनके हिसाब से भी जो है वर्क परमिट जो है फॉलो करना होता है। तो आपको जो है यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी जो है आपको कोल्ड वर्क परमिट में जो है एक्सकैवेशन की जो एक्टिविटी अगर होती है तो उसके लिए कोल्ड वर्क परमिट जो है वो भी इशू किया जाता है। लेकिन हम जो यहाँ पर देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि कोल्ड वर्क एक्टिविटी में जो है कोई पर्टिकुलर जो है जो हमने यहाँ पर देखी है कौन सी एक्टिविटी आती है। और हाई रिस्क एक्टिविटी में जो है आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो है जैसे कि कोई अगर आप टैंडम लिफ्टिंग अगर करते हो तो ये जो है ये हाई रिस्क वर्क परमिट में जो है वो आता है। या फिर आपने देखा होगा कि अगर आप जो ओवरहेड पावर लाइंस होती है उसके ऊपर में अगर आप जो है काम करते हो तो उसके लिए जो है आपको हाई रिस्क परमिट जो है वो लेना होता है। तो ये भी सही है, इसमें जो है कोई दोहरा नहीं है कि ये गलत है, ये भी सही है। तो लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको कि हॉट वर्क परमिट और कोल्ड वर्क परमिट और हाई रिस्क परमिट में जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी जो है कोल्ड वर्क परमिट में जो है ये एक्टिविटी जो है वो मेंशन की जाती है। वो डिपेंड होता है कि आप जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन और कौन से कंपनी में काम कर रहे हो। तो इसको जो है हम आगे में जो है डिटेल में भी समझ देंगे, और वो भी जो है आई स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है कौन से वर्क परमिट आते हैं वो भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि हॉट वर्क जो परमिट है इसके जो है क्या एग्जांपल्स हैं। तो जैसे कि वेल्डिंग एक्टिविटी अगर आप करते हो तो उसके लिए जो है हॉट परमिट जो है वो इश्यू किया जाता है। अब वेल्डिंग ऑपरेशंस में जो है हॉट वर्क परमिट का जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके लिए क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पार्क जो है वो जनरेट होता है या फिर फ्लेम निकल सकती है या फिर मोल्टन मेटल, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर जो भी नियर बाय में जो मटेरियल्स हो वो इग्नाइट हो सकता है। इसी के लिए जो है यहाँ पर वेल्डिंग ऑपरेशंस के लिए जो है हॉट वर्क परमिट जो है वो इश्यू किया जाता है। सेकंड है कटिंग और ब्रेजिंग ऑपरेशंस, यानी कि ये अगर एक्टिविटी अगर आप करते हो तो उसके लिए जो है आपको हॉट वर्क परमिट जो है वो इश्यू किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप कटिंग और या फिर ब्रेजिंग अगर करते हो तो इसमें जो है फायर हजार्ड जो है इन्वॉल्व होता है। तो एक्सीडेंट वर्क प्लेस में जो है जो भी एक्सीडेंट है फायर के रिलेटेड उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है ये परमिट जो है वो इश्यू किया जाता है, क्योंकि परमिट में जो है स्पेशल जो है इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो तो इसके लिए जो है आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो वर्क परमिट की वजह से जो है हम वर्क प्लेस में जो है वहां पर उससे होने वाले जो भी एक्सीडेंट है यानी कि फायर के रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट है उसको जो है हम यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल है वो है ओपन फ्लेम एप्लीकेशंस। अब जैसे कि ओपन फ्लेम, जैसे कि गैस फायर जो इक्विपमेंट है उसका अगर आप जो है इस्तेमाल कर रहे हो तो ओपन फ्लेम जो है वहां से निकलती है, तो इसके लिए जो है आपको हॉट वर्क परमिट का जो है इस्तेमाल करना काफी जरूरी है, क्योंकि हॉट वर्क परमिट में ही जो है कुछ स्पेशल जो है इंस्ट्रक्शंस जो है आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसके तहत जो है आपको ये पता चल जाता है कि आपने इस एक्टिविटी में जो है क्या कंट्रोल मेजर जो है वो लेना है, क्या प्रिकॉशन जो है वो आपने लेना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि कोल्ड वर्क परमिट के जो है क्या एग्जांपल्स है उसके बारे में। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि इलेक्ट्रिकल का अगर आपको मेंटेनेंस अगर करना हो तो इस टास्क के लिए जो है आपको कोल्ड वर्क परमिट जो है वो इश्यू किया जाता है। जैसे कि अगर आपको जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो है अगर इंस्टॉलेशन करना हो या फिर रिपेयरिंग अगर करना हो तो कोल्ड वर्क परमिट जो है इशू किया जाता है। तो इसके लिए कोल्ड वर्क परमिट की जो है रिक्वायरमेंट्स होती है, ताकि जो है जो भी सेफ्टी या फिर कंप्लायंस है उसको इंश्योर किया जा सके। सेकेंड एग्जाम्पल है वो है इक्विपमेंट रिपेयर्स का। अब कोल्ड वर्क परमिट जो है वो नेसेसरी होता है किसी भी एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि जिसमें इक्विपमेंट मेंटेनेंस जो है वो होता है, तो इक्विपमेंट का अगर मेंटेनेंस अगर करना हो तो उसके लिए जो है कोल्ड वर्क परमिट जो है इशू किया जाता है। तो उसमें जो है सर्विसिंग या फिर कोई रिपेयर अगर करनी हो तो, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में देना है कि यहाँ पर कोई भी जो है हीट प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए उस ऑपरेशंस में, यानी कि उसमें जो है अगर हीट प्रोड्यूसिंग अगर ऑपरेशंस इन्वॉल्व नहीं है तभी जो है कोल्ड वर्क परमिट जो है इसके लिए जो है इशू किया जाता है। थर्ड एग्जांपल है वो है पेंटिंग और सरफेस कोटिंग का। तो पेंटिंग या फिर जो है
आपको सरफेस कोटिंग जो है वो अगर अप्लाई करना है उसमें, जैसे कि एब्रेसिव ब्लास्टिंग या फिर स्प्रे पेंटिंग अगर आप करते हो, तो उसके लिए जो है कोल्ड वर्क परमिट जो है वो रिक्वायर होता है, ताकि इसके रिलेटेड जो भी पोटेंशियल हजार्स है उसको जो है सही तरीके से मैनेज किया जा सके। तो ये जो है ये कोल्ड वर्क परमिट के जो है यहाँ पर एग्जाम्पल बन जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हाई रिस्क जो वर्क परमिट है इसके क्या एग्जाम्पल्स है उसके बारे में। तो जैसे कि वर्क एट हाइट जो है ये इसका एग्जाम्पल्स है। अब वर्क एट हाइट की अगर आपको एक्टिविटी करनी है, जैसे कि वर्क एट हाइट में जैसे कि रूफ को अगर आपको रिपेयर करना हो या फिर स्कैफोल्डिंग का जो है इंस्टॉलेशन अगर करना हो, तो इसमें जो है हाई रिस्क वर्क परमिट जो है इसके लिए जो है रिक्वायर होता है, ताकि फॉल प्रोटेक्शन जो मेजर्स है वो यहाँ पर जो है ली जा सके। फिर उसके बाद है कन्फाइंड स्पेस एंट्री। अब कन्फाइंड स्पेस एंट्री अगर आपको काम करना हो तो उसके लिए भी जो है हाई रिस्क वर्क परमिट जो है वो इश्यू किया जाता है, यानी कि वर्कर की अगर जो है ज़रूरत है कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने के लिए, जैसे कि टैंक्स हो या फिर मैन होल्स हो, तो इसके लिए जो है हाई रिस्क जो वर्क परमिट है वो रिक्वायर होता है, ताकि इसके एसोसिएटेड में जो भी रिस्क है उसको सही तरीके से जो है यहाँ पर मैनेज किया जा सके। थर्ड यहाँ पर एग्जांपल्स है वो है हजार्डस जो भी मटेरियल है उसको अगर आप हैंडल करते हो तो उसके लिए भी जो है हाई रिस्क वर्क परमिट की जरूरत होती है। अब इसमें जो है कौन सा वर्क इन्वॉल्व है, जैसे कि आप जो है जो भी हजार्डस मटेरियल है उसको अगर आप डिस्पोज कर रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो या फिर हैंडल कर रहे हो, तो उसके लिए जो है हाई रिस्क वर्क परमिट की जो है जरूरत होती है, ताकि जो भी प्रॉपर प्रिकॉशंस है वो आप जो है वहां पर ले सके, उसको जो है इंश्योर कर सके। तो इसके लिए जो है हाई रिस्क वर्क परमिट की जो है जरूरत होती है, ये इश्यू किया जाता है। अब आपके मन में जो है कई तरीके की जो है सवाल आए होंगे, वो भी टाइप्स ऑफ परमिट के रिगार्डिंग, यानी कि टाइप्स ऑफ परमिट जो हमने यहाँ पर देखे हैं उसके रिगार्डिंग। अब जैसे कि हमने यहाँ पर पहला देखा था वो था हॉट वर्क परमिट। अब हॉट वर्क परमिट में जो है आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी फ्लेम जहाँ पर इन्वॉल्व होती है या फिर सोर्स जहाँ पर हीट सोर्स जहाँ पर इन्वॉल्व होता है या फिर जहाँ से जो है सोर्स ऑफ इग्निशन जो है वो होता है, तो उसके लिए जो है हॉट वर्क परमिट की जरूरत होती है। सेकेंड जो चीज़ है वो है कोल्ड वर्क परमिट। तो यहाँ पर जो है आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि कोल्ड वर्क परमिट की अगर हम बात करते हैं, तो किसी कंपनी में अगर आप जाते हो तो इसी के अंदर ही जो है आपको एक्सकैवेशन की अगर कोई अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके लिए जो है आपको कोल्ड वर्क परमिट जो है इशू किया जाता है, या फिर वर्क एट हाइट की जो अगर आप एक्टिविटी करते हो तो उसके लिए भी जो है आपको कोल्ड वर्क परमिट ही जो है इशू किया जाता है, या फिर कन्फाइन स्पेस की जो है अगर आप एक्टिविटी करते हो तो उसके लिए भी जो है कोल्ड वर्क परमिट ही जो है इशू किया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कोल्ड वर्क परमिट के बारे में जो है कि कौन से यहाँ पर जो है एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो ये भी सही है। और ये जो आपने देखा होगा कि इसके एविशन वर्क एट हाइट कन्फाइन स्पेस जो एक्टिविटी जो है वो कोल्ड वर्क परमिट के अंडर आती है, तो ये भी सही है। तो ये जो है वो डिपेंड होता है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर क्लाइंट की भी जो है रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से जो है वो वहाँ पर काम होता है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वर्क एट हाइट की जो एक्टिविटी है वो हाई रिस्क वर्क परमिट के अंडर आती है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो आपको जो है यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड जो है हमने यहाँ पर देखा है हाई रिस्क एक्टिविटी। अब हाई रिस्क एक्टिविटी तो आपको यहाँ पर जो है ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो भी हाई रिस्क काम होता है उसी के लिए जो है हाई रिस्क वर्क परमिट जो है वो इश्यू किया जाता है। तो यहाँ पर वर्क एट हाइट की जो एक्टिविटी है जो हमने यहाँ पर देखा है वो भी सही है। कन्फाइन स्पेस एंट्री अगर आप करते हो तो वो भी जो है हाई रिस्क वर्क परमिट में आता है, या फिर जो है हजार्डस जो मटेरियल है वो अगर हैंडल करते हो तो वो भी हाई रिस्क में आता है। इसके अलावा भी जो है कई सारी एक्टिविटी है, जैसे कि वो रेड पावर लाइन्स जो है वहाँ पर अगर उसके ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो वो भी जो है हाई रिस्क वर्क परमिट जो है उसके लिए जो है आपको इशू किया जाता है। या फिर अगर आप टैंडम लिफ्टिंग अगर करते हो, यानी कि एक के अलावा यानी कि दो क्रेन अगर आप जो है वो इस्तेमाल करते हो मटेरियल को उठाने के लिए लिफ्टिंग करने के लिए, तो उसके लिए भी जो है हाई रिस्क वर्क परमिट जो है वो इशू किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पर देखी है वो सब सेम ही है, इसमें जो है कोई भी ऐसा जो है आपको कंफ्यूज होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मेन बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि तीन टाइप के जो है यहाँ पर परमिट जो है हमने यहाँ पर देखे हैं, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट और हाई रिस्क वर्क परमिट। अब ये जो है ये कॉमन चीज़ें हो गई जो हमने यहाँ पर देखी है। अब हम जो है स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो अगर हम बात करें IS 17893 के हिसाब से कि टाइप्स ऑफ जो है परमिट क्या होते हैं, तो इसमें जो है आपको अलग दिखाई देते हैं या फिर जो है आप अलग देख सकते हो। तो जैसे कि टाइप्स ऑफ परमिट जो है इसमें जो है सात तरीके के जो है यहाँ पर जो है परमिट्स आपको देखने को मिलते हैं अगर आप जो है
ये स्टैंडर्ड देखते हो या फिर पढ़ते हो तो इसमें जो है कौन कौन से वर्क परमिट आते हैं, तो जैसे कि हॉट वर्क परमिट जो है वो इसमें आता है, यानी कि जिसमें जो है जो भी एक्टिविटी है जो आप कर रहे हो उसमें अगर फ्लेम इन्वॉल्वमेंट होती है या फिर उससे जो है स्पार्क अगर निकलता है तो हॉट वर्क परमिट जो है उसके लिए जो है लिया जाता है। सेकंड जो है वो उसकी परमिट आता है वो है कोल्ड वर्क परमिट। अब कोल्ड वर्क परमिट यानी कि जिसमें जो है नॉन कोई भी जो है सोर्स ऑफ इग्निशन नहीं होता है या फिर जो है कोई भी स्पार्क वहां से नहीं निकलता है, एक जनरल जो एक्टिविटी है वो कोल्ड वर्क परमिट में जो है वो आती है। थर्ड वर्क परमिट की अगर हम बात करें तो कन्फाइन स्पेस जो है एक परमिट होता है, यानी कि कन्फाइन स्पेस के रिलेटेड अगर आपको जो है कोई भी अगर एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए जो है कन्फाइन स्पेस का जो है अलग परमिट जो है आपको इशू किया जाता है। फोर्थ जो यहाँ पर परमिट आता है वो है वर्क एट हाइट का, यानी कि वर्क एट हाइट के रिलेटेड अगर आपको कोई भी अगर एक्टिविटी अगर करनी हो तो उसके लिए जो है आपको वर्क एट हाइट का जो है परमिट इश्यू किया जाता है, वो आपको लेना होता है। फिफ्थ अगर हम बात करें परमिट की तो उसमें जो है एस्कैविशन वर्क परमिट आता है, यानी कि एस्कैविशन के रिलेटेड अगर आपको जो है कोई भी अगर एक्टिविटी अगर करनी हो तो उसके लिए जो है इसका जो है सेपरेट परमिट जो है आपको इश्यू किया जाता है या फिर जो है आपको लेना होता है। और सिक्स जो परमिट है वो है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, यानी कि अगर आपको स्पेशली इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड अगर कोई भी अगर काम करना हो तो उसके लिए जो है आपको इलेक्ट्रिकल का जो है परमिट इश्यू किया जाता है या फिर आपको जो है वो लेना होता है। और सेवन जो वर्क परमिट आता है वो है रेडियोग्राफी का, यानी कि रेडियोग्राफी के रिलेटेड अगर आपको जो है काम करना हो तो उसके लिए जो है रेडियोग्राफी का जो परमिट है वो आपको इश्यू किया जाता है या फिर आपको जो है वो लेना होता है। तो अगर हम आईएएस की अगर बात करें, यानी कि 17893 जो आईएएस स्टैंडर्ड है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है परमिट के जो है सेवन टाइप्स बताए गए हैं, यानी कि अलग अलग एक्टिविटी के लिए जो है आपको सेपरेट परमिट लेना होता है। एस्कैविशन के लिए जो है एस्कैविशन का अलग से परमिट है, वैसे ही जो है कन्फाइन स्पेस का अगर आप काम करते हो तो उसके लिए अलग वर्क परमिट है, वर्क एट हाइट का जो है वो भी अलग वर्क परमिट है, इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड जो है वो भी अलग परमिट है, रेडियोग्राफी के रिलेटेड भी जो है अलग वर्क परमिट है। तो ऐसे स्पेशल जो वर्क परमिट है वो आपको इशू किए जाते हैं। और हॉट वर्क परमिट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी काम है जैसे कि वेल्डिंग हो गैस कटिंग हो तो उसके लिए जो है आपको हॉट वर्क परमिट जो है वो इशू किया जाता है। कोल्ड वर्क परमिट यानी कि जनरल वर्क एक्टिविटीज जो अगर आप कर रहे हो, यानी कि मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग अगर आप कर रहे हो या फिर हाउस कीपिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए जो है आपको कोल्ड वर्क परमिट जो है वो इशू किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पर समझनी है, कोई भी जो है यहाँ पर कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि खास तौर से जो है आप यही देखते हो कि वर्क परमिट के जो है तीन टाइप्स होते हैं, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, हाई रिस्क वर्क परमिट। तो ये जो है ये ज़्यादातर जो है आपको दिखाई देते हैं जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हो। स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो जैसे कि ये सेवन वर्क परमिट मैंने आपको बताया तो ये रहते हैं, तो यहाँ पर जो है कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अब लास्ट वाला हमारा जो पार्ट आता है वो है कि ये जो वर्क परमिट हमने यहाँ पर देखे हैं इसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो जैसे कि वर्क परमिट की अगर वैलिडिटी की अगर बात करें तो ये डिपेंड होता है कि टास्क का जो है ड्यूरेशन क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और उसके एसोसिएटेड में जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है, तो इसके ऊपर जो है इसकी वैलिडिटी जो है वो तय होती है। इसके साथ साथ जो है जो भी स्पेसिफिक जो पीरियड है उसके लिए जो है ग्रांट किया जाता है उस परमिट को, और ताकि जो है वहां पर कंटिन्यूअस जो है सेफ्टी असेसमेंट जो है उसको इंश्योर किया जा सके। अब अगर हम टाइप्स ऑफ जो परमिट हमने यहाँ पर देखे हैं उसकी अगर वैलिडिटी की अगर बात करें तो हॉट वर्क परमिट जो है वो खास तौर से आपने देखा होगा कि इसकी जो वैलिडिटी है वो रहती है 24 घंटे की, लेकिन इसमें भी जो है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं, यानी कि जो भी आपका हॉट वर्क का काम है यानी कि आप जो है वेल्डिंग का काम कर रहे हो किसी पर्टिकुलर लोकेशंस में तो उसमें जो है जॉब वहां पर जो है आपका फिक्स है और वही पर ही जो है जो हजार जो वहां पर आइडेंटिफाई किए हैं परमिट में वही है, और लेकिन उसमें जो है कोई भी चेंजेस अगर नहीं हो रहा है तो वर्क परमिट की जो वैलिडिटी है आपकी 24 घंटे की रहती है। लेकिन वो जो आपका जो नेचर ऑफ जॉब है उसमें अगर कोई अगर चेंजेस अगर होते हैं तो ये जो है फिर इसकी जो वैलिडिटी है वो ये नहीं रहेगी, फिर आपको जो है दूसरा वर्क परमिट जो है वो इश्यू किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है कोल्ड वर्क परमिट जो आता है, तो कोल्ड वर्क परमिट जो है इसकी अगर हम वैलिडिटी की अगर बात करें तो इसका जो है 1 दिन का भी होता है या फिर 3 दिन या फिर 7 दिन की भी जो है इसकी वैलिडिटी होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जो है नेचर ऑफ जॉब क्या है उसके तहत जो है इसकी वैलिडिटी जो है वो होती है। फिर उसकी बात जो है जो हमने यहाँ पर देखा था हाई रिस्क वर्क परमिट, अब हाई रिस्क वर्क परमिट की अगर वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है जो आपका स्पेसिफिक जो टास्क है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वर्क एट हाइट का अगर आप काम कर रहे हो या फिर जो आपकी दूसरी जो एक्टिविटी है
यानी कि टैंडम लिफ्टिंग का अगर आप काम कर रहे हो, तो वो जो आपका काम है वो कब तक चलने वाला है, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ही जो है ये परमिट की वैलिडिटी होती है। अब ये अगर आपका जो काम है यानी कि टैंडम लिफ्टिंग का, अगर आपका काम जो है वो 3 घंटे में ही जो है खत्म हो जाता है, तो ये जो हाईरिक्स वर्क परमिट है वो 3 घंटे के लिए जो है इस वर्क एक्टिविटी के लिए जो है वो इश्यू किया जाता है। तो इसकी जो है वैलिडिटी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, हॉट वर्क परमिट की, कोल्ड वर्क परमिट की और हाईरिक्स वर्क परमिट की। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी टास्क है उसका ड्यूरेशन क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और उसके एसोसिएटेड में जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है, उसके ऊपर जो है उसकी वैलिडिटी जो है वो तय होती है। तरीके से जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि परमिट टू वर्क सिस्टम यानी कि क्या होता है, इसके जो है टाइप्स हमने यहाँ पर देखे है और इसकी वैलिडिटी क्या होती है, इसके बारे में भी जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।